back everybody to the sixth lecture of circles. Before I start lecture, let me give you some good news. What has been reduced? Okay, तो आप यहाँ पे mark कर लेना reduced portion for this particular chapter circles. ओके तो आपका पेज नंबर 75 रिड्यूस्ड है पूरा. पेज नंबर 76, पेज नंबर 77, पेज 77 रिड्यूस्ड फुल. पेज 78, 79, 80, 81. पेज 78, 79, 80, 81, ठीक है. पेज 82 प्रैक्टिस सेट 3.5, पेज 82 प्रैक्टिस सेट 3.5, ओके. देन पेज 83 प्रॉब्लम सेट 3, MCQs में आपका क्वेश्चन नंबर 7 ओमिट है. जो MCQs है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 ओमिट है, ठीक है. देन यू हैव पेज नंबर 87, यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, देन यू हैव पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 24, सॉरी पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है. दिस इज व्हाट ऑल यहाँ पे फुल पेज ओके. ये MCQ का सब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है. पेज नंबर 83 यू हैव प्रॉब्लम सेट 3, आपके MCQs है. मैंने आपके MCQs ये पेज पे लगा दिया हूँ, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग बताते जाऊंगा. फर्स्ट वाला है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 एंड 3.3 रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर, ठीक है. आपके दो सर्कल्स इस तरह टच हो सकते हैं या तो इस तरह टच हो सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐड करते हो, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना. तो आपका रेडियस कितना है 5.5 एंड 3.3, यहाँ पे ऐड करोगे तो 8.8 होगा और यहाँ पे माइनस करोगे तो 2.2 होगा, क्लियर है. आप रेडियस को दोनों को ऐड करोगे और यहाँ पे रेडियस को से माइनस करोगे, फाइन. तो यहाँ पे रेडियस माइनस करोगे तो 2.2 आएगा, यहाँ पे रेडियस ऐड करोगे तो 8.8 होगा. तो आपका आंसर डी आएगा, दैट इज 8.8 और 2.2 दोनों ऑप्शन आ जाएंगे आप, ठीक है. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे टचिंग नहीं है.
दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, यहां से ये रेडियस है, यहां से दूसरा रेडियस है, यहां पे सेम पे दूसरा रेडियस है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 12, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 12, इन दोनों के डिस्टेंस सेंटर 12 होएगा, तो हर एक सर्कल का रेडियस भी 12 होएगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस भी 12 होएगा, अगर डिस्टेंस 12 है तो सर्कल का रेडियस भी 12 होएगा, ठीक है। देन यू हैव ए सर्कल टचेस ईच साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वहां पे अगर आपका सर्कल ईच साइड टच कर रहा है तो आपके पास दो फिगर आना चाहिए, यहां पे आपके पीछे टेक्सटबुक में ये आंसर दिया हुआ है। वेल मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता है, यहां पे कुछ एक यहां पे मुझे देखना पड़ेगा, रोम्बस नहीं हो सकता है, इट कैन बी ओनली स्क्वायर, ओके। मैं कंफर्म करूंगा, आपके पीछे आंसर शायद रोम्बस दिया हुआ है, विच रोम्बस को, रोम्बस के लिए क्या है, ए सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, आपने ऑल साइड्स बोला है, ठीक है, ऑल साइड्स बोला है पैरेललोग्राम के लिए, तो आपको यहाँ पे वो नहीं बोला है कि वहां पे आपका वर्टाइसिस को टच हो रहा है, अगर वर्टाइसिस को टच करता तो आपके तीनों आंसर आते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर दो होगा, आपका रोम्बस भी होगा, आपका स्क्वायर भी होगा, पीछे आपका खाली रोम्बस दिया हुआ है, पर यहाँ पे दो आंसर होंगे आपके, रोम्बस और स्क्वायर होंगे, फाइन। Then you have the length of tangent segment drawn. Fine. ये question number 3. ये circle है. ये length of tangent segment. ये distance. ये distance आपका 12.5 दिया हुआ है. Okay. ये distance आपका 12.5 दिया हुआ है. ये distance आपका 12 दिया हुआ है. और आपको diameter of the circle find out करना है. Okay. Diameter of the circle find out करने का आप 12.5 का square करोगे तो 5 आपको आएगा, आपको आएगा 156, 12.5 द होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करने का है, तो ये आएगा 156.25 माइनस 144, तो ये आएगा आपका 12.25, ओके। यहाँ का आपका रेडियस है, रेडियस स्क्वायर है, तो रेडियस विल बी आपका 3.5, ओके। रेडियस आपका 3.5 आया है तो आपका डायमीटर 7 आ जाएगा, आपका डायमीटर 7 आ जाएगा, तो आपका डायमीटर 7 आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन, कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप, एक ये टेंजेंट बना सकते हो, आप एक ये टेंजेंट बना सकते हो, आप एक ये टेंजेंट बना सकते हो, तो आप तीन टेंजेंट बना सकते हो जो सर्कल को कॉमनली टच करेगा, ओके। सो योर आंसर विल बी 3। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल एसीबी इज इंस्क्राइब्ड ऑन आर्क एसीबी, एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क, ये आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ये आपका इंस्क्राइब्ड, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका इंस्क्राइब्ड है, विच सेंटर हो, इफ एंगल एसीबी इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये आपका एंगल 65 डिग्री है, तो आपको बताना है कि मेजर आर्क एसीबी कितना होगा, मेजर आर्क एसीबी कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपका 130 होगा, ये आपका 130 होगा, पूरा 360 में से आप 130 माइनस करोगे, ओके, 336 213, तो आपको 230 बचेगा, तो आपका उसका आंसर आएगा 230 आंसर आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिड्यूस्ड है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्यों रिड्यूस्ड है, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका एंगल, आपको यहां पे दिया हुआ है क्वाड्रेटल एबीसीडी, क्वाड्रेटल ए बी सी डी, आपको क्या दिया हुआ है, टू ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी, मतलब 2a इज इक्वल टू 3c दिया हुआ है, 2a इज इक्वल टू 3c दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट मेजर ऑफ एंगल सी, ओके। यहां पे आपका क्या है, a प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, और c क्या है, c इज इक्वल टू
2 upon 3a, correct? C is equal to 2 upon 3a, fine. यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करने का, C फाइंड आउट करने का, तो A is equal to 3 upon 2 C लिख देंगे. तो A की जगह पे हम 3 upon 2 C plus C is equal to 180 लिखेंगे. मल्टीप्लाई 4 by 2 करेंगे, 3C plus 2C is equal to 360, 5C is equal to 360, C is equal to 5, 7, 35, 2, C will be 72 degree, angle C will be 72 degree, clear है? Then you have question number 9, point ABC are on circle such that आप अ पॉइंट ए बी एंड सी आर ऑन सर्कल सच दैट मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी सी. ओके, ये दोनों 120 डिग्री के है, आर 120 डिग्री के है. नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट बी इज कॉमन टू आर्क, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, ये आप ड्रॉइंग करो. आपको ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करने का है कि ट्रायंगल एबीसी कौन सा है. ये आपका इंस्क्राइब एंगल होगा, ये अगर 120 डिग्रीज है तो ये आपका 60 डिग्रीज है, ये आपका 120 डिग्रीज है तो ये भी आपका 60 डिग्रीज है. और एंगल ऑफ ट्रायंगल से आप लोगे तो बैलेंस बचेगा, ये भी 60 डिग्रीज है. तो आपका ट्रायंगल एबीसी जो आपका हो जाएगा वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है, इट विल बिकम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. कमिंग टू नेक्स्ट पेज, यू हैव एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ओके, एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल. पॉइंट वाई लाइज इन द इंटीरियर, पॉइंट वाई इंटीरियर में है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें दिए हैं वो आपको ट्रू बताना है. माइंड इट, हमने अभी एक सम किया था, पॉइंट नहीं दिया था, वो एक्यूट एंगल था. पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो वो 90 डिग्री से बनता है, पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, ग्रेटर देन 90 बनता है. ये आपको नॉलेज में होना चाहिए. तो हम एक एक पॉइंट होते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल. ये मैं एंगल बना दूं, पहला दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज नॉट एन एक्यूट एंगल. जाहिर सी बात है कि वो पॉइंट बाहर होता तो एक्यूट एंगल होता. तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट ट्रू है, नॉट पॉसिबल कि एक्स वाई जेड ट्रू, एक्स वाई जेड एक्यूट एंगल होगा. बाहर होगा तो एक्स वाई जेड एक्यूट एंगल होगा, अंदर है तो एक्स वाई जेड ऑब्ट्यूस एंगल होगा. Then x y z can't be a right angle. अगर point यहाँ पे होता, on the circle होता तो right angle होता, तो second statement भी आपका true होगा. Fine. Third statement है x y z is an obtuse angle. Right है, x y z आपका obtuse angle है. तो third statement भी आपका true हो गया. Can't make a definite statement of measure of angle AB x y z. Why can't we make? हमको पता है, वो right angle नहीं है, वो acute angle नहीं है, वो obtuse angle है. हमको ये चीज से पता कि वो एक्यूट एंगल नहीं है, वो राइट एंगल नहीं है, वो ऑब्ट्यूस एंगल है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा. ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया 4 हो गया. फाइन, तो ये 4 हो गया, उसमें से हमको ढूंढना है. तो ओनली 1 यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ओनली 2 यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ओनली 3 यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है, ओनली 3 एप्लीकेबल हो जाता है, ऑल जो है वो भी ओमिट हो जाता है. तो इसका आंसर ओनली 3 हो जाता है. क्लियर, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ एमसीक्यू एंड वी हैव सॉल्वड ऑल एमसीक्यू. वी प्रोसीड फॉर सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रॉब्लम सेट 3. व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, लाइन L touches a circle with center O at point P if the radius of the circle is 9 cm. Answer the following question. What is distance OP? What is distance OP? Why? Okay. तो आप यहाँ पे अगर रेडियस बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है. ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि what is distance OP? Now, radius of the circle is, radius of the circle is 9 cm. Radius
is equal to distance OB. Therefore, distance OB is equal to 9 सेंटीमीटर. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. ये सम आप करते हुए आए हो, चाहता तो मैं आपको वो सम के साथ चलने देता था, पर एक बार अभी आपका रिवाइज हो जाएगा तो बेटर है. डिस्टेंस OQ आपका 8 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन है वेयर डज द पॉइंट Q लाइज. ओके, कहां पे है वो, वो क्या सर्कल पे है, वो क्या सर्कल के बाहर है, वो क्या सर्कल के अंदर है. ओके, नाउ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. डिस्टेंस OQ इज लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, distance OQ is less than radius of the circle, therefore point Q पूछा है ना, हम therefore where does point Q, therefore point Q lies in the interior of circle. ठीक है, question number 3 पूछा है, थोड़ा बड़ा question है. If distance PQ is 415, okay? अगर distance PQ 15 है, distance PQ कहीं ना कहीं PQ 15 है, PQ 15 है, distance PQ is 15, okay? How many location of point R are on line? That is something mistake there, printing mistake होना चाहिए वहाँ पे, वैसा नहीं होना चाहिए. डिस्टेंस PQ नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस PQ तो ऊपर हो गया, आप लोगे डिस्टेंस OR लोगे उधर. ओके, इफ डिस्टेंस OR इज 15, वहां पे आपको करेक्शन करना है, डिस्टेंस OR इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्टेंस OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. How many locations of the point R are lying? Lying वापस आता है वहाँ पे, R lying on line, R on line L. How many locations of point R on the line L? And what distance will each be from the point? तो पहले बता दूँ कि ये 15 सेंटीमीटर जो है ना, ये रेडियस कितना दिया 9. 15 सेंटीमीटर जो 9 है उससे ज्यादा है, तो कहां पे इस पर्टिकुलर लाइन की बात हो रही है, तो ये यहां से हम एक लाइन खींचेंगे तो ये भी हमको पॉइंट R मिलेगा, ये लाइन हम खींचेंगे तो ये भी हमको पॉइंट R मिलेगा, यहां पे हमने एक लाइन खींचा तो ये भी हमको पॉइंट R मिलेगा, ये भी हमको पॉइंट R मिलेगा. तो यहां पे हम जब उसको कंस्ट्रक्शन करके बताएंगे तो वहां पे हमको दो पॉइंट R मिलेगा, एक पॉइंट समझो R दिया तो दूसरा पॉइंट R1 मिलेगा. ये आपका पहला क्वेश्चन है. There will be two points. There will be two points on line L, which will be at a distance of 15 centimeter. From point O, namely OR and OR1. फिर उसके बाद आपको पूछा है what distance will each of them will be from the point. तो अभी आपका radius कितना है? Radius 9 centimeter. Radius आपका 9 centimeter. डिस्टेंस OR कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस OR आपको 15 दिया हुआ है. आपको बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम विल बी पॉइंट P, इस पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे. ओके, ये आपका ट्राइंगल ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा तो दोनों डिस्टेंस रहेंगे, तो कोई भी एक डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे. नाउ इन
right angle triangle OPR. In right angle triangle OPR, OR square is equal to OP square plus PR square. OR आपका 15 है, 15 square is equal to OP आपका 9 है plus PR square. तो आपका PR square क्या हो जाएगा? 15 square minus 9 square. This will be 225 minus 81. This will be 169. Okay? Therefore, taking square root, आप square root लोगे, taking square root लिखोगे, therefore PR is equal to 13 centimeter. आपको question दिया हुआ है, at what distance will each of them be from point P? Therefore, each point will be at a distance of 13 centimeter from the point P. ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था तो प्रेजेंटेशन में आपको ये लिखना जरूरी है. क्लियर? ठीक है, प्रोसीड फर्दर. Problem set 3, question number 3. In the figure 3.83, M is the center of the circle and segment KL is the tangent. Tangent segment. KL is the tangent segment. MK is equal to 12. KL is equal to 6 root 3. Then find the radius of the circle and find the measure of angle K and angle L. ठीक है? तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके, दैट इज आपको फाइंड आउट करने का एल एम, है ना. नाउ एम एल इज द रेडियस एंड एल के is the tangent segment. Tangent segment. Therefore, angle MLK is equal to 90 degrees. Tangent theorem. Tangent theorem. Clear? आपका ये 90 डिग्री हो गया. अब आप पाइथन का सेम लगा सकते हो. देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल एमएलके एमके स्क्वायर इज इक्वल टू एमएल स्क्वायर प्लस एलके स्क्वायर. MK is equal to 12 square. ML हमको find out करने का है. LK 6 root 3 दिया हुआ है. ठीक है, 12 का 144 ML square plus 6 का 36 root 3 into root 3 3 होता है. 36 3 108 होता है. ठीक है, प्लस 108. ठीक है, देयरफॉर ML स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108. देयरफॉर ML स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ML स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो ML आपको इज इक्वल टू सेंटीमीटर. आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, कुछ नहीं दिया हुआ है. ओके, तो एम एल इज इक्वल टू 6 यूनिट्स.
तो ml आपका 6 यूनिट हो गया। अब आपको जो बताने का है सेकंड के आपको बताने का है मेजर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल k एंड एंगल m। आपको एंगल k और एंगल m का मेजर फाइंड आउट करने का है। ये आपको कितना मिला 6 मिला। फाइंड सेकंड वन इन ट्रायंगल mlk एंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। MLK इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ML इज इक्वल टू हाफ ऑफ MK। ML देखो ये 6 है ये 12 है और राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है। ये 6 है ये 12 है ये इसका हाफ है देयरफॉर एंगल K इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। 30-60-90 का थ्योरम कहता है साइड ऑफ एंगल ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। रीजन है कॉनवर्स ऑफ 30-60-90 थ्योरम। माइंड इट आपको कॉनवर्स कैसे पहचानना है और डायरेक्ट पहचानना है ठीक है। अगर वो आपको 30-60-90 का ट्रायंगल दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट थ्योरम है और आप मेजर से बता रहे हो कि वो 30-60-90 का ट्रायंगल है तो कन्वर्स है समझे। अगर आपको 30-60-90 दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट थ्योरम है 30-60-90 का। पर आप अगर मेजर से हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट एंगल और दूसरा एंगल रूट 3/2 वाला एंगल से आप बता रहे हो कि वो 36 प्रूफ कर रहे हो कि वो 30-60-90 ट्रायंगल है तो दैट विल बी कन्वर्स है। तो यहां पे आप प्रूफ कर रहे हो तो एंगल के आपका 30 डिग्री हो गया एंगल एल आपका 90 डिग्री है देयरफॉर एंगल एम विल बी 60 डिग्री। आपका थर्ड एंगल या रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ठीक है। तो आपका एंगल ए 30 डिग्री एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 3.84 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर और लेंथ ए बी इज ऑल्सो आर prove that quadrilateral ABOC is a square. Suppose आप इसको join कर दो, okay? आप construction में डाल दो। Draw radius OB and OC. ठीक है? यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं ओके। नाउ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी। सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसके बाद आपका रेडियस या सेगमेंट ही रहने दो सेगमेंट ओ इज इक्वल टू आर आपको दिया हुआ है ना वो रेडियस ऑफ द सर्कल आर एंड लेंथ ए बी हाँ इज इक्वल टू is equal to R. Also segment OB is equal to segment OC is equal to R और ये दोनों equal क्यों हैं? Radius of the same circle, radius of same circle, ठीक है?
therefore from 1 and 2 AB is equal to AC is equal to OB is equal to OC. एक क्वाड्रेंटल के चारों साइड अगर इक्वल रहेंगे तो दो ही चीज हो सकती है, या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, और हम डायरेक्टली उसको स्क्वायर मान नहीं सकते हैं. ओके, देयरफॉर क्वाड्रेंटल ए बी, क्वाड्रेंटल ए बी ओ सी इज ए रोम्बस. हम रोम्बस मान के चलेंगे, अभी उसको स्क्वायर मान के नहीं चलेंगे. ठीक है, नाउ यहां पे हम देखेंगे OB इज दी रेडियस एंड AB इज दी टेंजेंट. OB इज दी रेडियस एंड AB इज दी टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू 90. एंगल OBA इज इक्वल टू 90. मतलब आपका ये जो इसमें है OBA इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में आपका ये 90 degrees होता है. एक एंगल 90 degrees होता है. अगर एक एंगल 90 degrees होता है रोम्बस में, एक अगर एंगल 90 degrees होता है तो सारे एंगल 90 degrees हो जाते हैं. रोम्बस का एक एंगल अगर 90 degrees होगा तो सारे एंगल 90 degrees. तो कोई ऐसा रोम्बस नहीं है कि आपने एक एंगल 90 लिया तो दूसरे कोई अलग अलग मेजरमेंट के हो जाएंगे. ठीक है, इन ए रोम्बस इफ वन एंगल इज 90 degrees देन ऑल अदर थ्री एंगल्स विल बी 90 degrees. Therefore, आपके बता दिया आपने कि रोम्बस के चारों एंगल 90 degrees है. Therefore, quadrilateral ABOC is a square. Therefore, quadrilateral ABOC is a square. Clear? Quite easy. Now, go through it. Question number 5. You have ABCD is a parallelogram. ये parallelogram है. ABCD is a parallelogram. Parallelogram में opposite sides congruent होते हैं. Please remember that. It circumscribes the circle with center T. एक circle बना है जो चारों side को touch कर रहा है और center T है. Point E, F, G, H are touching parts. E, F, G, H are touching parts. उसके बाद AE is equal to 4.5 दिया हुआ है, distance AE 4.5 दिया हुआ है, distance EB 5.5 दिया हुआ है, आपको AD find out करने का है, आपको distance AD find out करने का है, clear? So we have the solution here. पहले तो AE is equal to AH, AE is equal to AH. Is equal to 4.5 centimeter per month में किया हुआ है ना? नहीं, 4.5. और EB is equal to BF कितना दिया हुआ है? 5.5. क्यों ये दोनों equal है? क्योंकि tangent exterior point से दो tangent segments congruent होते हैं. और उस पर्टिकुलर थ्योरम को हम नाम देते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. उस पर्टिकुलर का नाम देते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है, अभी हम नाम दे रहे हैं इसको, और भी हम ले ले रहे, इसको हम ले लेते हैं x, तो हमारा ये भी x हो जाएगा. इसको हम ले लेते हैं y, तो ये भी हमारा y हो जाएगा. तो हम नाम दे दें, सी एफ इज इक्वल टू सी जी एक्स. यहाँ पे इन दो से कि भाई आप मान के चल रहे हो कि वो x ले रहे हो. dh is equal to dg, इसको ले रहे हो y से, मतलब आप मान के चल रहे हो.
तो ये हो गया आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये हो गया आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्लियर। ये आपका 4.5 है तो ये भी आपका 4.5 है, ये आपका 5.5 है तो ये भी आपका 5.5 है, ये आपका x है तो ये भी आपका x है, CF is equal to CG लिया आपने, DH is equal to DG लिया, ये आपने y लिया तो ये भी आपने y लिया, ठीक है। Now ये आपने या आप इसको बंद लो ना, प्रॉपर्टी लिख लो पैरेलोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम आर इक्वल और कॉमन। अगर आप यहां पे लिखे ऑपोजिट साइड्स लिख दिया तो आप कॉमन लिखो, अब लिख रहे हो मेजर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम आर, मेजर लिखोगे तो इक्वल लिख देना, आप खाली साइड लिख रहे हो तो कॉमन आएगा, मेजर आएगा तो इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर साइड एबी इज इक्वल टू साइड सीडी, ठीक है। 4.5 AB, AB क्या है, therefore AB, AB क्या है, AE plus EB, AE plus EB is equal to CG plus GD, यहाँ का आपका मेजरमेंट के हिसाब से आप वो दोगे, ठीक है, या ये पॉलीलैटरल दिखाओगे आप, यहाँ पे आपका ए ई बी है और यहाँ पे आपका डी जी सी है, फाइन। नाउ ए कितना है 4.5, ई बी कितना है 5.5, इज इक्वल टू सी जी कितना है एक्स और ये कितना है वाई, तो तुमको क्या मिलता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके, x plus y is equal to 10 मिल गया आपको, fine। Then proceed further, opposite side का parallelogram आपने बोला है तो यहाँ भी आप देख लो, side AD is equal to side BC, side AD is equal to side BC, side AD कितना है 4.5 plus y, ठीक है, is equal to 5.5 plus x, ठीक है। आप ये बराबर है 5.5 plus x और ये 4.5 plus y, आप y को इस साइड ले लो और 5.5 को यहां ले, 4.5 minus 5.5 is equal to x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। फिर हमको क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, लेट मी चेक इट, ये आपका 4.5, ये आपका 4.5 है, 5.5, 5.5, 4.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5.5 प्लस x, चलो ले लेते हैं उसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, ये आपका 2 हो गया। नाउ बहुत इजी हो गया आपका, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक दो लीनियर इक्वेशन में क्यूब वेरिएबल आ गया, यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यू हैव x प्लस y is equal to 10, x minus y is equal to minus 1, 2x is equal to 9, ठीक है, therefore x is equal to 9 upon 2, this is equal to 4.5, आपका x का वैल्यू कितना आया, 4.5 आया, fine, आपको आपने यहाँ पे y लिया था, आपको डायरेक्ट अगर y लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ AD फाइंड आउट करने का, आपको सिर्फ और सिर्फ AD फाइंड आउट करने का, तो आप y ढूंढोगे,
सब्स्टिट्यूशन करोगे, ओके, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 4.5 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर वन, ओके, इक्वेशन नंबर वन में आपका x 4.5 आया, 4.5 प्लस y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 4.5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5.5, ठीक है, आपका y 5.5 आ गया, y 5.5 आ गया, बाद में आप सॉल्व कर लो, आपको क्या चाहिए AD, आपने यहाँ पे AD कहीं पे लिया था उसको AD को क्या दिया था आपने, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, AD को आपको बाइफरकेट करना है, AH प्लस HD बताना है, AD इज इक्वल टू AH प्लस HD बताना है, BC इज इक्वल टू BF प्लस FC बताना है, ओके, AD इज इक्वल टू AH प्लस HD बताना है, BC इज इक्वल टू BF प्लस FC बताना है, जस्ट रिमेंबर दैट, क्लियर, तो यहाँ पे अभी आपका AD is equal to AH plus HD, AH plus HD, this is equal to AH कितना है आपका 4.5 plus HD कितना है Y, therefore 4.5 plus Y, यहाँ पे आपको Y ले लिया, आपको एक नंबर दे देना है यहाँ पे, समझो 3 है, this will be your 3, तो Y का value डालो आप 5.5, therefore AD is equal to 10 units, AD is equal to 10 units, आपका AD जो है 10 units आ जाएगा, clear, this is how you are going to do this, check it out, last question for this lecture, we take this in figure 3.95, you have chord EF is parallel to chord GH, chord EF is parallel to chord GH. Sorry. Fill in the blanks and write the proof. ठीक है? मैं इसको आपको explain कर दूँ. Explain कर देता हूँ मैं पूरा sum solve करके explain कर देता हूँ. फिर आप अपने हिसाब से वहाँ पे आप भर देना. ठीक है? हमको proof करने का है chord EF, chord FH, chord FH. क्या प्रूफ करने है बराबर कॉर्ड ईजी ये वाला कॉर्ड ईजी इस कॉमन कॉर्ड एफ एच, ठीक है, देख लो यहां पे, नाउ इट इज गिवन दैट कॉर्ड EF is parallel to chord GH and GF is the transversal, okay, ये EF GH से पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल FGH, ओके, ये कॉमन लिख देते हैं, अगर आप खाली एंगल लिखते हो, अगर आप मेजर लिखते हो तो आपको इक्वल लिखना जरूरी है, रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्लियर, ये हो गया आपका, ना अभी आप यहां पे देखोगे आपको दो इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, तो बराबर से ध्यान दे दो, एंगल ईएफजी, मुझे पेन चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा, एंगल ईएफजी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर ईजी, angle EFG is equal to half measure arc EG and angle FGH is equal to half
major arc FH. Inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. ठीक है, ये आपका वन था, ये आपका टू हो जाएगा. देयरफोर फ्रॉम वन एंड टू हाफ मेजर आर्क ई जी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एफ एच. हाफ मेजर आर्क ई जी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एफ एच. हाफ ऑफ निकल जाएगा, देयरफोर मेजर आर्क TG is equal to major R FH. ठीक है, मतलब आपके ये दोनों आर कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये आर के बाजू में ये आर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साथ ये कॉर्ड है. ठीक है, तो आप लिखोगे रीजन कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव corresponding chords. Congruent arcs have congruent arcs of the same circle. लिखना जरूरी है. Congruent arcs of the same circle have their corresponding chords congruent. वो आपका एक ब्लैंक है ना, वहां पे वो ब्लैंक में आपको ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा. जहां पे आपका कॉर्ड जी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एफ एच लिखा है तो पर्टिकुलर ब्लैंक में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर कॉर्ड ई जी लिखा है इधर, तो कॉर्ड आर ई जी लिखा है ना, देयरफॉर कॉर्ड ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एफ एच. ओके, ये आपको प्रूव करना था शायद, प्रूव दैट कॉर्ड ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एफ एच. यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, वी प्रोसीड फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर लेक्चर.